तो पहलवान बेटियों के समर्थन में बड़ी ताकत से खड़े हुए और किस तरह का जुल्म पहलवान बेटियों को सहना पड़ा ये भी आपने देखा। हमारा तो परिवार इतना बड़ा है कि हम ट्रेनिंग देते हैं और लोग दूसरी पार्टियों में जगह बना लेते हैं। अभी तो दोस्ती हुई है, ये दोस्ती किस तरह का रंग जमाएगी आप देखना। किसानों के समर्थन में खड़ा हूँ और हमेशा किसान कमेरे के समर्थन में खड़ा हूँ। हम तो पहलवान बेटियों के समर्थन में बड़ी ताकत से खड़े हुए और किस तरह का जुल्म पहलवान बेटियों को सहना पड़ा ये भी आपने देखा। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अब ये आपके सामने हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ इन्होंने विरोध भी नहीं किया। चुनाव अब आया है लेकिन उससे पहले भी कई बार मैंने महसूस किया कि, और मैंने उनको सुना भी, उन्होंने कहा कि मैं पुरानी गलती अब दोहराने के मूड में नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, पुरानी गलतियाँ कि जो पुराने रूप से राजनीतिक जो भी कुछ हुआ होगा उसको दोहराने के मूड में नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ, हम विचारधारा पर आधारित लोग हैं, किसान कमेरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर वंचित वर्ग को हाशिए से उठा के ऊपर लाने में जो भी हमारा योगदान है हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम पूंजीपतियों के हितैषी नहीं हैं, गरीब के हितैषी हैं और हम विचारधारा के आधार पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये दोस्ती हुई है, ये दोस्ती किस तरह का रंग जमाएगी आप देखना। हमारे लोगों को कुणाल भाई, हमारे लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है, उस भरोसे को हम बना के रखेंगे और ये ताकत जो है आप देखना नया निर्माण करेंगे, नए हरियाणा का निर्माण जो सपनों महान पुरुषों के सपने का होगा और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देगी। और मैं स्पष्ट कर दूं, पुरानी गलतियों से मेरा आग्रह ये है, मैंने उनको सुना भी स्पष्ट भी कर देंगे कि हम किसी भी कीमत पे वो पार्टी जिसने लंबे समय से नुकसान पहुंचाया किसानों को उसको किसी भी कीमत पे फायदा नहीं होने देंगे। ये जो घोषणा भाई दुष्यंत जी ने की है, ये घोषणा तो आज की है लेकिन इस पे पहल लंबे समय से चल रही थी और जो जिन महान पुरुषों के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में, उनके संयुक्त संघर्ष के बारे में और उसके परिणाम के रूप में जो आज हम लोग बैठे हैं, मैं अपने महान पुरुषों को नमन करते हुए आज उन दोनों महान नेताओं का भी जिक्र करता हूँ, माननीय काशीराम साहब और चौधरी देवीलाल जी। मेरा ये भी मानना है कि किसान कमेरों को अपनी लड़ाई अभी तक अपने आप ही लड़नी पड़ी है, दूसरे लोगों ने सिर्फ उनका यूज किया। वो वादे तो हमसे बहुत करते हैं लेकिन बाद में उन वादों में सच्चाई कुछ नहीं होती, क्योंकि भाई ने कहा कि हम 36 के हैं, 36 से कहने का मतलब है कि हम सेम एज के हैं, हम एक ही एज में हैं और लंबे समय तक अब सेवा करने के लिए किसान कमेरों की इस आंदोलन में उतरे हैं। मेरा ये भरोसा है, जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने महसूस किया कि इनके दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए और मेरे दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे भी बढ़ना चाहिए। हरियाणा की जो पहचान है, जिस तरह से इस बार भी देश दुनिया में देश का नाम हरियाणा ने बचाने का काम किया, वो हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। हम लंबे समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे नेताओं ने वहाँ संघर्ष करके संगठन बना के उसको सींचने का काम किया है। अब 1 और 1 11 हो गए हैं, ये शक्ति मिलके जो है एक नया निर्माण करेगी। मैंने इनसे ये भी अपील की थी कि जो भी हमारे जैसे साथी हों जो चाहते हों कि किसान कमेरे नौजवान महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज़ आगे बढ़े, उनको भी अपने आप साथ में आप जोड़ लो। मेरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ नई ताकतें भी, नए ऐसे साथी भी आपको हमारे साथ देखने को मिलेंगे जो चाहते हैं कि हरियाणा मिलके इसी आइडियोलॉजी पर आगे बढ़े कि किसान किस कमेरे की बात मजबूर। पुरानी चीज़ों के लिए मैं अपने महान नेताओं का धन्यवाद करता हूं और मेरा विश्वास है कि अब हम इस लड़ाई को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और इस ताकत को बनाने में कामयाब हों। आप सब लोग यहां उपस्थित हैं, जननायक जनता पार्टी का पूरा परिवार, उनके सम्मानित नेता, पूर्व CM, पूर्व DC और भावी CM जो है हमारे बीच में है, साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का परिवार है। ये दोनों परिवार एकजुट होकर, मैं संदेश अपने साथियों को देना चाहता हूँ, आज से ही कमर कसें और हरियाणा में एक नया इनकलाब खड़ा करें, ऐसा मेरा विश्वास है और बाकी चीज़ों को हम धरातल पर संघर्ष करके उतारें। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।